आज मैं प्रतिशत पढ़ाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है और सबसे पहले समझना है कि प्रतिशत किसे कहते हैं, प्रतिशत क्या है, समझने का कोशिश कीजिएगा। प्रतिशत एक तरह का भिन्न है जिसका हर 100 होता है। समझने का कोशिश कीजिएगा मैंने क्या बोला, प्रतिशत एक तरह का भिन्न है जिसका हर 100 होता है। तो यहाँ पर 2/100 है तो ये एक तरह का भिन्न है और इसी को आप प्रतिशत में लिख सकते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा, 2/100 है तो आप लिख सकते हैं 2%। समझने का कोशिश कीजिएगा, परसेंट लिखने के लिए बटा में 100 होना चाहिए, यानी कि हर में 100 होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, प्रतिशत एक तरह का भिन्न है जिसका हर 100 होता है। अगर कहीं पर 1/100 है तो ये एक तरह का भिन्न है और बटे में 100 है, यानी कि हर में 100 है, तो आप इसको प्रतिशत में लिख सकते हैं, यानी कि 1/100 है तो आप 1% लिख सकते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए समझना है, यहाँ पर क्या है, 2/100 है, यानी कि 2/100। समझने का कोशिश कीजिएगा, 2/100 यानी कि बटा का जो चिन्ह है उसी को प्रति बोलते हैं, उसी को प्रति पढ़ते हैं। तो अगर आप इसको अलग अलग पढ़ेंगे तो क्या है, 2/100, लेकिन 100 के जगह में सत बोलते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा, 100 के जगह में क्या बोलते हैं, सत बोलते हैं, यानी कि 2%। तो ये क्या है, 2% ही है, इसी को आप लिखेंगे 2%। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अब फिर से समझना है, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 में। अब आपको प्रैक्टिकल रूप में समझना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे एक किताब का दाम है 500 रुपया, समझने का कोशिश कीजिएगा, एक किताब का दाम है 500 रुपया लेकिन आपको मिलता है 450 रुपया में। दाम है 500 रुपया लेकिन मिलता है कितना में, 450 रुपया में, यानी कि 50 रुपया का डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया, 50 रुपया का। तो प्रतिशत निकालेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो डिस्काउंट मिला है 50 रुपया और बटे में जो क्रय मूल्य है, यानी किताब में जितना लिखा हुआ है उसको लिखेंगे। तो किताब का दाम कितना है, 500 रुपया है, तो बटे में 500 रखेंगे और गुने में 100 कर देंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, 2 जीरो काट लेंगे और 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यानी कि 10% का डिस्काउंट मिला है। इसका मतलब क्या है, प्रतिशत का मतलब क्या है, प्रत्येक 100 में। कहने का मतलब है कि प्रत्येक 100 में आपको 10 रुपया छोड़ रहा है दुकानदार, प्रत्येक 100 रुपया में 10 रुपया छोड़ रहा है, यानी कि 10 रुपया का डिस्काउंट आपको दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक 100 रुपया में 10 रुपया छोड़ रहा है। अगला 100 रुपया में 10 रुपया छोड़ेगा, अगला 100 रुपया में 10 रुपया छोड़ेगा, अगला 100 रुपया में 10 रुपया छोड़ेगा, फिर से अगला 100 रुपया में 10 रुपया छोड़ेगा, यानी कि 50 रुपया आपको छोड़ दिया, छूट दिया है। तो देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 500 हो गया और 500 में आपको कितना छोड़ा है, 50 रुपया, यानी कि प्रत्येक 100 रुपया में 10 रुपया छोड़ दिया है। तो इस तरीके से आपको अच्छा से समझना है, एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है और कहीं पर समझने में प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में लिख के बताइएगा और क्वेश्चन नंबर भी लिख देना है, मैं फिर से डिस्कस करूंगा और वीडियो बना के इंस्टाग्राम में अपलोड कर दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आप जितना कमेंट करेंगे, अगर आप 1000 बार पूछेंगे तो आपको 1000 बार भी रिप्लाई मिलेगा, लेकिन इंस्टाग्राम में मिलेगा, आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा वहाँ पर। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। पहला नंबर प्रश्न है, यदि एक्स का x% 36 हो तो एक्स का मान है। सबसे पहले लिखने के लिए अच्छा से समझना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। x का के जगह में गुना का चिन्ह देंगे, x का x%, तो x% कैसे लिखेंगे, 1/100 लिखेंगे। सबसे पहले आपको इस तरीके से लिखने के लिए आना चाहिए। x का x% कितना है, 36 है, तो बराबर में 36 लिखेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बटे में कुछ नहीं तो एक है, आप दे सकते हैं, अगर आप समझ रहे हैं तो देना कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसको गुना करेंगे तो x² हो जाएगा और इसको गुना कर देंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो ये 36 गुना होता है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 36 और गुने में 100। अब डायरेक्ट भी 36 और 2 जीरो बैठा सकते थे। अब यहाँ पर आपको समझना है, एक्स का मान निकालना है लेकिन यहाँ पर x² है तो क्या करेंगे, इधर में स्क्वायर रूट कर देंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए 36 और गुने में 100 है,
तो 36 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, और 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो इतना हो जाएगा यानी कि 6 × 10 यानी कि 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 आ रहा है, तो देख लीजिए इसका सही आंसर कहाँ पर है, ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, मैं प्रत्येक बार बोलता हूँ अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यदि x का 30% का 15% बराबर 18 तो x का मान है, समझने का कोशिश कीजिएगा, सबसे पहले लिखने के लिए आना चाहिए x का के जगह में गुना x का 30%, तो 30/100 लिखना है। इसके बाद क्या है, 30% का के जगह में गुना का चिन्ह, 30% का गुना चिन्ह, इसके बाद फिर से 15% है, तो आपको लिखना है 15/100, इतना आपको लिखना होगा, और बराबर में कितना है 18 है। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। अब आपको काटने के लिए सीखना है, अगर आप काटने के लिए जानते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से कट जाएगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो आप समझने के लिए एक रख सकते हैं, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो समझने के लिए एक रख सकते हैं, ऊपर ऊपर कट जाएगा और नीचे नीचे कट रहा है तो कट जाएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, और ऐसे के कट रहा है तो आप काट सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से 10 और यहाँ से 10, 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20/25 100, और 5 × 15 3 × 9 और 9 × 2 = 18, ये कट चुका है, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब ऊपर में इधर में देखिए, बराबर के इधर में ऊपर में कुछ नहीं है यानी कि सिर्फ और सिर्फ x है, तो x रख लेंगे, और इसमें जो नीचे वाला है इधर में ऊपर जाके गुना हो जाएगा यानी कि तिरछा तिरछी गुना होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए 20 × 10 यानी कि 200 हो जाएगा, और 200 × 2 यानी कि 400, इसका सही आंसर आ गया है 400 यानी कि x का वैल्यू कितना है 400, देख लीजिए कहाँ पर है, घ ऑप्शन सही है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। तीसरा नंबर प्रश्न है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, समझने का कोशिश कीजिएगा कैसे लिखेंगे। किसी संख्या, तो कोई संख्या x मान लेंगे, बोल रहा है कि किसी संख्या के 60%, तो 60/100 करेंगे, बोल रहा है कि किसी संख्या के 60% में से 60 घटा देंगे तो 60 प्राप्त होगा यानी कि बराबर 60 आएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। किसी संख्या के 60% में से 60 घटा देंगे तो बराबर 60 आएगा, ये बोल रहा है, ये आपको लिखने के लिए आना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये माइनस में 60 है, इसको उधर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर में जाके प्लस में हो जाएगा और इसके साथ जुट जाएगा तो 120 हो जाएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब इधर में कितना बच गया है यानी कि 1 × 60/100, इसी को सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। आप यहाँ पर काट सकते थे लेकिन मैंने नहीं काटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 कट जाएगा और 6 × 12 ये कट जाएगा। इस तरीके से अगर काटने के लिए आप जानते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर में x है और इसको तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यानी कि 20 × 10 यानी कि 200, देख लीजिए इसका सही आंसर आ गया है, x बराबर 200 कहाँ पर है, घ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न चार नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बोल रहा है 3% 5% का कितने प्रतिशत है, समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार अच्छा से लिखने के लिए समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, इसमें आपको ट्रिक लगाने का कोई जरूरत नहीं है, छोटा छोटा है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, अगर कॉन्सेप्ट को सीखे रहेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। इसमें बोल रहा है 3%, बोल रहा है कि 3% जो है 5% का कितना प्रतिशत है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 3% मान लेते हैं कि 3% किसके बराबर है, तो 5% का x परसेंट है, समझने का कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं कि 3% 5% का, एक बार मैं लिख के बता देता हूं कैसे आप लिखेंगे, 3% किसके बराबर है यानी कि 5% का x परसेंट, मान लेते हैं कि 5% का x परसेंट है, इस तरीके से आपको लिखना है। अगर इस तरीके से आप लिखने के लिए समझ गए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि 3% का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, तो 5% का x परसेंट के बराबर है। तो आपको क्या करना है,
तो यहाँ पर भी 3/100 लिखना है और इधर में 5/100 लिखना है और का मतलब गुना और यहाँ पर 1/100 लिखना है। इस तरीके से सबसे पहले ये 100 और ये 100 कट जाएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। और क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 20/25 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यहाँ पर बटे में कुछ नहीं तो एक है, यहाँ पर कट चुका है तो एक बचेगा, तो एक्स एकम एक्स यानी कि एक्स हो गया और इसको तिरछा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 या 60, यानी कि इसका सही आंसर आ चुका है। देख लीजिए कहाँ पर है तो 60 आया है, यानी कि 60%, यानी कि 60%, तो देख लीजिए सही आंसर आ चुका है, घ ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न है, 36 का 8% किस संख्या का 72% है। सबसे पहले लिखने के लिए समझना है कि प्रश्न में क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है उसको आपको लिखना है। यहाँ पर मतलब कि हिंदी में लिखा हुआ है उसको आपको मैथ में लिखना है, मैथ में कैसे लिखेंगे, जोड़ घटा गुना भाग में कैसे लिखेंगे, ये आपको समझना है। 36 का 8% बोल रहा है कि 36 का 8% किस संख्या का 72% है, समझने का कोशिश कीजिएगा। यानी कि 36 का मतलब गुना 36 का 8% यानी कि 8/100, यानी कि 36 का 8% इस तरीके से लिखेंगे तो 36 का 8% बोल रहा है, 36 का 8% किस संख्या का 72% है, तो मान के चलते हैं 36 का 8% एक्स का 72% है, समझने का कोशिश कीजिएगा। इस तरीके से आपको लिखना होगा। अगर आप इसी को जैसे यहाँ पर वर्ड में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, अगर उसी को आप मैथमेटिक्स में लिखेंगे तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 36 का 8% बराबर एक्स का 72% है, बिल्कुल समझ में आ गया है। तो x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले अगर आप काटने के लिए जानते हैं तो काट सकते हैं, अगर यहाँ पर 72/100 लिख लेते तो और आसान हो जाता। तो मैं यहाँ पर 72% को डायरेक्ट लिख देता हूँ, 72/100, तो आपको डायरेक्ट लिखना है, अगर डायरेक्ट आप लिखेंगे तो काटने में आसान होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए बटे में कुछ नहीं तो एक है, 36 × 72 होता है। अब यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा और चाहेंगे तो ये भी कटेगा, यानी कि ये 100 और ये 100 कट जाएगा और 2 से काटेंगे, 2 × 4 = 8, ये कट चुका है, तो x = 4 आ गया। देख लीजिए कहाँ पर है तो x = 4, यानी कि ख ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 6 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, मैं प्रत्येक बार बोलता हूँ, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए कि प्रश्न को 99% सॉल्व कर चुके हैं। 25% कितना होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले कैसे लिखना है, 25% कितना होगा, कहने का मतलब है कि 25% कितना होगा ये बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो लिखा हुआ है उसी को मैथमेटिक्स में लिखना है, यानी कि 25/100 का मतलब गुना और यहाँ पर 25/100, यही तो लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना है, ऊपर में गुना कर देना है, तो 25 × 25 करेंगे तो 625 होता है और इसको गुना करेंगे तो 1 और 4 0 होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 1 और 0 0 है तो आपको क्या करना है, काउंट करना है 1 2 3 4, यानी कि 4 0 है, 1 और 4 0 है तो आपको क्या करना है, 4 अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है, तो 1 2 3 यानी कि 3 अंक है तो यहाँ पर 1 0 दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 625, ये 3 अंक है तो 1 अंक यहाँ और दे देते हैं 0 और यहाँ पर पॉइंट बैठा देंगे, यानी कि इसका आंसर इतना हो जाएगा। देख लीजिए और स्टार्टिंग में जैसे इधर में कुछ नहीं है तो आप 0 दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो देख लीजिए कहाँ पर है, ख ऑप्शन सही है, यानी कि 0.0625 ख ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, लेकिन एक बार अच्छा से सीखना होगा और एक बार अच्छा से सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा, बढ़ा बढ़ा के नहीं देखना है, शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, फास्ट करके आप देख सकते हैं। और कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर कमेंट में आप बताएंगे, अगर किसी भी प्रश्न में आपको प्रॉब्लम है, अगर आप कमेंट में लिखेंगे कि
5 नंबर प्रश्न में प्रॉब्लम है या 6 नंबर प्रश्न में प्रॉब्लम है तो मैं फिर से वीडियो बना के इंस्टाग्राम में अपलोड कर दूंगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, डाउट में नहीं रहना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अगला प्रश्न 7 नंबर, 300 का 25% का 20% क्या है, समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, वर्ड में लिखा हुआ है, अब इसी को मैथमेटिक्स में लिखना है। बोल रहा है 300 का, सबसे पहले आपको लिखना है 300 का के मतलब गुना 300 का 25%, तो 25/100 लिखेंगे, 25% का फिर से गुना 20%, तो 20/100, यानी कि इतना आपको लिखना है और कैलकुलेट कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ से तीन यानी कि 2 जीरो और 2 जीरो कट जाएगा, 25 चौके 100 ये कट जाएगा, 4 पचे 20 ये कट जाएगा, और 5 3 15 यानी कि इसका सही आंसर कितना आया है, तो 15 आ गया है। देख लीजिए कहां पर है, तो घ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 8 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। यदि किसी संख्या का 20% कितना है, 120 है, किसी संख्या का 20% कितना है, 120 है, तो कोई संख्या x मान लेना है, यानी कि x का 20% कितना है, x का 20% कितना है, यानी कि 120 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, तो 20 25 100 कट जाएगा और इसको गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, x बराबर इसको गुना करेंगे 12 25 60 और 10 यानी कि 600, यानी कि जो संख्या वो कितना है, 600 है। अब बोल रहा है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा, तो संख्या हम लोग को मालूम हो चुका है, कोई संख्या हम लोग x माने थे वो संख्या मालूम हो चुका है, तो बोल रहा है कि उसी संख्या का यानी कि 600 का 120% कितना होगा, तो आपको क्या करना है, 120% निकालना है, तो 120/100 करेंगे और यहाँ पर ये 100 कट जाएगा, यानी कि यहाँ से दो जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 12 6 72 और 10 बैठा देंगे, यानी कि इतना 720 इसका सही आंसर आ गया है। तो देख लीजिए कहाँ पर है, घ ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, अगर प्रश्न समझ लिए तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है, समझने का कोशिश कीजिएगा, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है, तो कोई संख्या नहीं मालूम है, एक्स मान लेना है, तो कोई संख्या एक्स है जिसका 200%, समझने का कोशिश कीजिएगा, एक संख्या है जिसका 200% कितना है, 90 है, यानी कि 200% बराबर 90 है, समझने का कोशिश कीजिएगा, कोई एक संख्या है जिसका 200% बराबर 90 है, इस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ से 2 जीरो काट देंगे और 45 दूना 90 यानी कि एक्स बराबर आ गया है 45, समझने का कोशिश कीजिएगा, संख्या मालूम हो चुका है, तो इसमें क्या बोल रहा है, उस संख्या का यानी कि जो संख्या था उसको हम लोग मान के चले थे एक्स, तो संख्या मिल चुका है, तो बोल क्या रहा है, उस संख्या का 40% क्या होगा, यानी कि इसी का 40% निकालना है, यानी कि 45 का 40% निकालना है, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसको 5 से काटेंगे, यानी कि 10 सबसे पहले काट लेते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए 9 5 45 और 5 2 10 और 2 से काटेंगे 2 2 4 और 9 2 18 यानी कि इसका सही आंसर आ चुका है 18, देख लीजिए क ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इस तरीके से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को बेसिक को समझना पड़ेगा, एक बार अच्छा से समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 10 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है, y का x परसेंट प्लस x का y परसेंट किसके बराबर है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो शॉर्टकट में लिखेंगे, सबसे पहले y का के जगह में गुना का चिन्ह, y का x परसेंट इसका मतलब x बटे 100, समझने का कोशिश कीजिएगा, प्लस x का y परसेंट, तो कैसे लिखेंगे, x का y परसेंट इस तरीके से लिखेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, गुना में है, तो इसको गुना में आप लिख सकते हैं xy/100, समझने का कोशिश कीजिएगा, और यहाँ पर भी ये गुना में है तो क्या लिख सकते हैं xy/100,
एक्स वाई बटे 100 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है, अगर इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 ही रहेगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, तो 100 से एलसीएम को डिवाइड करते हैं तो पूरा कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि एक बचेगा, तो एक से ऊपर में गुना करेंगे तो एक्स वाई ही रह जाएगा, प्लस का चिन्ह है। फिर से अब यहाँ पर 100 है तो 100 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो एक आएगा, एक से ऊपर में गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2xy बटे में 100। समझने का कोशिश कीजिएगा, तो बटे में 100 आ गया, तो अब आप इसी को प्रतिशत में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि किस रूप में लिखा हुआ है, आप इसको क्या क्या लिख सकते हैं, अपने मन में पहले सोचना है। आप इसको लिख सकते हैं दो का एक्स वाई प्रतिशत लिख सकते हैं, क्योंकि बटे में 100 है। समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर आप चाहेंगे तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, एक्स वाई बटे 100, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि दो का एक्स वाई प्रतिशत, या आप लिख सकते हैं एक्स वाई का 2%। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो इसी तरीके से दिया हुआ होगा। देख लीजिए कहाँ पर है, एक्स वाई का 2% लिखा हुआ है, इस रूप में नहीं लिखा हुआ है। समझने का कोशिश कीजिएगा, 2 का xy प्रतिशत नहीं लिखा हुआ है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर घ में एक्स वाई का 2% नहीं रहता तो ये वाला दिया हुआ रहता, तो यहाँ पर इस रूप में लिखा हुआ है एक्स वाई का 2%, तो इसका सही आंसर कहाँ पर है, घ ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सीखना होगा, समझना होगा, और अच्छा से सीखना है, समझना है, बेसिक को मजबूत करना है। अगर बेसिक अच्छा से समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, और सिर्फ आप ट्रिक के पीछे भागेंगे, अगर ट्रिक भूल गए तो प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले सीखने का प्रयास कीजिए, एक बार सीखिए, अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी भी नहीं भूलेंगे और कभी मिस्टेक नहीं होगा, और किसी भी तरह का प्रश्न आ जाएगा तो आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।